हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10:30 बजे डेली केमिस्ट्री की क्लास होती है, लेकिन आज मैम की क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि किसी कारणवश वो क्लास नहीं ले पा रहे। तो मैंने सोचा कि आपकी क्लास मिस ना होने दे, इसलिए मैं खुद ये क्लास लेके आपके लिए आ गया हूँ। तो क्लास आपको अच्छी लगती लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। आप लोग एक तो शेयर नहीं करते और एक फालतू में मतलब कमियाँ निकालते रहते हैं। एक बार अच्छे से देखा करो तभी समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आता, दो बार देखो, दो बार नहीं आता, तीन बार देखो, तब जाके आपको समझ में आता है। आज मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो है सरफेस केमिस्ट्री वाला, यानी कि पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर के एमसीक्यू मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते कमेंट करके बताना। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं लिंक के टेलीग्राम में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बाकी बाद में आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो मैं क्लास के नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। जो भौतिक अधिशोषण होता है वो कब अधिक होता है? उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, कमरे के ताप पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किस पर होता है, अधिक होता है? तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर आपको कमेंट करके बता देना है और वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और सभी फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप सभी शेयर करोगे तभी मैं क्लास लाऊंगा। और मैं सोच रहा हूं कि जो बुक्स आपकी बायोलॉजी की बुक्स है, बायोलॉजी के बुक्स को भी पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं, जैसे फिजिक्स करवा रहा हूं वैसे। और इसी के साथ साथ केमिस्ट्री की बुक्स रेडी हो चुकी है, प्रिंटिंग के लिए दे दी है। अगर आप पीडीएफ भी खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसका मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा कैसे पीडीएफ कितने रुपये की पड़ेगी, क्या पड़ेगी, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। तो ध्यान रखना कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण की दर। तो भौतिक अधिशोषण की दर बतानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर वो क्या होगा? भौतिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने से घटती है, अधिक दाब पर दाब से स्वतंत्र है, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिक होती है, एक दाब बढ़ाने के साथ सदैव बढ़ती है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर कमेंट करके जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिक दाब पर दाब से स्वतंत्र क्या होती है? अधिक दाब पर दाब से स्वतंत्र होती है। ठीक है, मैं बता दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बुक्स पीसीबी की बुक्स आप सभी के लिए अब अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि मैंने सभी तीनों बुक्स आपके लिए रेडी कर ली है, प्रिंटिंग के लिए दे दी। अभी सभी आउट ऑफ स्टॉक हैं, स्टॉक में कोई भी बुक नहीं है। तो जैसे स्टॉक में आएगी मैं आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रहा है इंडिया के नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्सेज पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आपको जल्दी से उनको बाय कर ले, क्योंकि अब टाइम कम है और जल्दी ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे। जैसे फॉर्म आएंगे तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। अब मैं 2 से 3 क्लास भी खुद भी लूँगा, केमिस्ट्री की भी मैं खुद ले सकता हूँ, एक दो क्लास एक्स्ट्रा, क्योंकि जल्दी से सिलेबस आपका करवाना है। फिजिक्स की क्लासें आपकी डेली 3 बजे होती है, फिजिक्स क्लास आप रेगुलर लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिक्स में मैं पहले थ्योरी कंप्लीट करवा के उसके बाद क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि सिलेबस करवाना जरूरी है। तो थ्योरी पहले, बाद में क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा बायो की भी थ्योरी आपके लिए क्लास स्टार्ट होने वाली है, जस्ट कुछ ही 1 या 2 दिन में जस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब टाइम नहीं है, तो टाइम का सही यूज कीजिए और पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रासायनिक अधिशोषण को निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? रासायनिक अधिशोषण का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा? जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए, क्योंकि जो चैट बॉक्स आपका चलता है वो चैट बॉक्स में चेक करके बता दिया करें। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास टाइम से नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा, लेकिन लाइव आने की भी कोशिश करूँगा और वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती इसलिए लाइव नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डेल्टा एच का मान 40 किलो जूल होता है। ये रासायनिक अधिशोषण का मान नहीं होता, क्योंकि ये इसका मान नहीं होता, डेल्टा एच का मान जो होता है 40 किलो जूल होता है, ये रासायनिक अधिशोषण का नहीं, भौतिक का। और बाकी रासायनिक का भी ध्यान रख लेना आप।
अधिसूचित जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, इसको चेंजेस नहीं किया जा सकता। अधिसूचित जो रासायनिक अधिशोषण होता है विशिष्ट होता है, अधिशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना रासायनिक अधिशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ जाता है, ये एक विशिष्ट अधिशोषण होता है और इसमें जो अधिशोषण होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना किसके लिए, रासायनिक अधिशोषण के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो असत्य कथन सर्च करना है, कौन सा कथन अस रॉन्ग है, इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखते हैं, अभी अपन ने क्या देखा था, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है, तो भौतिक अधिशोषण क्या आपका उत्क्रमणीय होगा, तो ये तो सही बात है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण में वांडरवाल बल कार्यरत होते हैं, तो भौतिक अधिशोषण में कौन से बल कार्यरत होते हैं, वांडरवाल्स बल कार्यरत होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, राइट है, ये भी राइट है। भौतिक अधिशोषण की दर अधिशोष्य पर दाब बढ़ाने से बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे अधिशोष्य को दबाएंगे हम उसके ऊपर दाब बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। अब अगला पॉइंट है, भौतिक अधिशोषण के लिए उच्च सक्रियण ऊर्जा प्रयुक्त होती है, तो इसमें ये गलत है, इसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा प्रयुक्त नहीं होती है। क्या उच्च सक्रियण ऊर्जा इसमें प्रयुक्त नहीं होती, तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये इसमें गलत कथन दे रखा है, असत्य कथन ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चारकोल पर अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ती है, तो चारकोल पर अधिशोषित गैस की मात्रा बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, ताप से और दाब से घटती है या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सभी कमेंट करके बता दीजिए और सभी लाइक कर दीजिए, लाइक करना आपका काम है, शेयर नहीं करते शेयर कर दिया करो, एक तो शेयर करोगे तभी स्टूडेंट आपको पता लगेगा कितने स्टूडेंट्स आते हैं कितने नहीं आते, और क्वेश्चन कमेंट करके बताना आज के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, क्या मेरा तरीका सही है या सही नहीं है, सारी कमेंट करके आपको बताना है, क्वेश्चन लगातार आपके होते रहेंगे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो चारकोल है, चारकोल में जो अधिशोषित गैस की मात्रा है वो दाब से और ताप से घटती है, दाब बढ़ाने दाब से भी घटती है और ताप से भी घटती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पीडी इसके आयतन से 900 गुना हाइड्रोजन अवशोषित करता है, यानी कि जो पैलेडियम होता है वो अपने आयतन से 900 गुना हाइड्रोजन अधिशोषित कर सकता है, ये क्या कहलाता है, अवशोषण, अधिशोषण, अधिधारण या 2 और 3, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगी अधिशोषण भी कहलाता है और अधिधारण भी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है, कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है बताना है, तो बताना है लेगमोर अधिशोषण अति विशिष्ट है, तो इसका बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है कि जो लेगमोर होता है वो अधिशोषण अति विशिष्ट होता है, वांडरवाल अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। तो अभी मैंने बताया था भौतिक अधिशोषण कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, और वांडरवाल भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल लगता है, वांडरवाल बल काम करता है, तो वांडरवाल अधिशोषण उसे कहा जाता है, तो वांडरवाल अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, ये बात भी सही है। ये बात ध्यान रखना, जो लेगमोर अधिशोषण होता है वो अति विशिष्ट होता है और जो रासायनिक होता है वो विशिष्ट होता है, रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट होता है लेकिन लेगमोर जो होता है वो क्या होता है, अति विशिष्ट होता है। इसके साथ जो वांडरवाल अधिशोषण होता है उसको भौतिक अधिशोषण भी कहा जाता है और एक उत्क्रमणीय होता है। बाकी जो लेगमोर अधिशोषण और जो भौतिक वांडरवाल अधिशोषण होता है दोनों क्या होता है, उष्माक्षेपी होते हैं। कैसे होते हैं, उष्माक्षेपी होते हैं। तो ये भी याद रखना, जो 1 और 2 लिखे हुए हैं, 1 का मतलब लेगमोर अधिशोषण और 2 का मतलब है वांडरवाल अधिशोषण, क्या होते हैं, उष्माक्षेपी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिशोषण में होता है तो अधिशोषण में क्या होता है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि अधिशोषण में होता है क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, तो अधिशोषण में जो तंत्र की एंट्रोपी में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, जो तंत्र होता है उसकी एंट्रोपी में कमी हो जाती है, तंत्र की जो एंथैल्पी है एंथैल्पी में कमी हो जाती है, और परक्रम के लिए जो टी डेल्टा एस का जो ऋणात्मक होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिशोषण में उपयुक्त सभी होते हैं, तंत्र की एंट्रोपी कम, एंथैल्पी में कम और टी डेल्टा एस ऋणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, अधिशोषण का कौन सा अभिलाक्षणिक गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, नंबरिंग को मत जाना, 9 का राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा अभिलाक्षणिक गलत है, तो बताइए इसका राइट आंसर,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा गलत है? भौतिक अधिशोषण सामान्य ताप बढ़ाने से घटता है। तो ये बिल्कुल सही बात, सत्य बात है। भौतिक अधिशोषण जो होता है वो क्या होता है, सामान्य ताप बढ़ाने से घटता है। भौतिक अधिशोषण अधिशोषण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ही था कि भौतिक अधिशोषण जो होता है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है। अधिशोषण केवल सतह पर ही सीमित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बाकी ये गलत है कि भौतिक अधिशोषण सामान्य ताप बढ़ाने से बढ़ता है, तो ये गलत है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भौतिक अधिशोषण सामान्य ताप बढ़ाने से बढ़ता है, जबकि क्या होता है वो घटता है। तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शोषण पद प्रयुक्त होता है। तो शोषण पद जो प्रयुक्त होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है, अधिशोषण के लिए, अवशोषण के लिए, या दोनों के लिए, या विशोषण के लिए? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर या 11 जो भी, इसका राइट आंसर आप कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भौतिक अधिशोषण शोषण पद प्रयुक्त होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिशोषण के लिए और अवशोषण दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 या 13, उसमें नंबरिंग पे मत जाना आप। टॉस पर गैस की अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, जो टॉस होता है टॉस पर गैस की अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, इसका राइट आंसर कमेंट करके आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर एट 11 का बताइए, इसका राइट आंसर टॉस पर गैस की अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गैस, एक तो टॉस जो होता है टॉस पर गैस, टॉस गैस की प्रकृति पर, गैस के दाब पर और तापक्रम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिशोषण के दौरान एक से अधिक परत बनाता है, तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर होगा भौतिक अधिशोषण में एक से अधिक परत बनती है, वांडरवाल अधिशोषण में, फ्रेंडलिक अधिशोषण में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जो उपरोक्त सभी अधिशोषणों में क्या होता है, एक से अधिक परत का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अब मैं आपको सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अपन ने इसमें कर लिए, इसके बाद आपको ये क्लास वापस 1 बजे मिलेगी, आज 1 बजे कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं केमिस्ट्री के, जो आप सभी जरूर अटेंड करना, 1 बजे आपकी क्लास होगी फिर केमिस्ट्री की, जिसमें जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इसी चैप्टर के, वो क्वेश्चन मैं 1 बजे वाली क्लास में आपके लिए करवा दूंगा। तो सभी 1 बजे क्लास जरूर अटेंड करना, 12 मिनट की है लेकिन 1 बजे और 10-12 मिनट की और करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे को कुछ काम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं ले सकता ऐसे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप देख लो, कोलाइडी विलयन में प्रावस्थाएँ उपस्थित रहती है, कोलाइडी विलयन में प्रावस्थाएं उपस्थित रहती है, कितनी प्रावस्थाएं उपस्थित रहती है, 2, 4, 3, 1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्पष्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोलाइडी विलयन में 2 प्रावस्थाएं उपस्थित रहती है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये क्योंकि मैं भी क्लास आज नहीं होने थी, मैंने सोचा क्लास ले लेते हैं, क्योंकि क्लास नहीं लोगे तो फिर स्टूडेंट्स को बुरा लग जाएगा। तो आज 1 बजे आपकी स्पेशल क्लास और होगी, सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन मैं करूँगा, तो 1 बजे जरूर अटेंड करना, लाइव जो भी आपका प्राइमरी सेशन रहेगा उसको 1 बजे सभी जरूर अटेंड करना, ठीक है। आज के क्वेश्चन कमेंट करके बताना कैसे लगे, दोनों के PDF मैं 1 बजे वाली क्लास के बाद टेलीग्राम पर आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कमेंट करके बता देना कैसी लगी क्लास आपको, धन्यवाद।